Hello, good morning. So, when you wake up in the morning, do you feel like this? Yay, it's a bright sunny day. I'm feeling so energetic and vibrant. Let's start my studies. Or like this. It's morning again. सेम स्केड्यूल, उठो पढ़ाई करो, उठो पढ़ाई करो. एंड आई एम नॉट इवन फीलिंग एनर्जेटिक. शुड आई स्लीप अगेन? नो, आई हैव टू स्टडी. हाय गाइस, आई एम साक्षी पाहवा एंड वेलकम ऑफिशियली टू द वीडियो. सो गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया कि यू नो हमारी मॉर्निंग दो तरीके की हो सकती है. या तो हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर उठते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा लिथार्जी के साथ उठते हैं और हमको लगता है ओ माय गॉड, फिर से वापस से वही रूटीन है और ऐसा वेदर हो रहा है बाहर, मेरा तो मन भी नहीं हो रहा है पढ़ाई करने का. सो गाइस, इस चीज के लिए यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये आप सब फेस करते हैं. आप सब ही नहीं, ये कोई भी फेस करेगा, बिकॉज वेदर ही ऐसा है गाइस. और अभी तो वेदर और भी ज्यादा ह्यूमिड हॉट होने ही वाला है. सो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है. वी हैव टू एक्चुअली बूस्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द इनसाइड ऑल्सो. तो आज मैं फर्स्ट टाइम एक फूड एडिशन लेकर आई हूं आपके साथ. मैं न्यूट्रिशन पर बात करने वाली हूं, बिकॉज सी गाइस, पढ़ाई डेफिनेटली हम करते हैं, डेली करते हैं. आपके माइंड को कैसे यू नो काम करना है उस पर हम बात कर चुके हैं. बट वॉट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज द न्यूट्रिशन, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दैट यू आर टेकिंग इन. एंड जितने स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है. एंड इतना मैंने रीड करा है कि अभी मुझे पता है वॉट थिंग्स आर हेल्दी, वॉट आर अनहेल्दी. तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में मुझे अभी पता है. एंड दैट इज वाई मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूं कि आपको यू नो कैसे एनर्जी मिल सकती है राइट इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप. तो मैं इसको ऑफकोर्स अप्लाई कर रही हूं और मैंने इसको लेना शुरू कर दिया है बहुत पहले से. एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट्स, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही मुझे भी ऐसा लगता था थोड़ा लिथार्जिक, बट अभी थिंग्स आर बेटर. तो चलो आपके साथ शेयर करती हूं कि क्या है जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूं. सो इट्स एक्चुअली, आई जस्ट शो इट टू यू, इट्स एक्चुअली अ रेजिन लाइक लुकिंग थिंग. सो आप सभी को पता होगा किशमिश, राइट? आप सबने किशमिश तो देखी होगी. आई एम श्योर ये भी आपको पता होगा, इट्स कॉल्ड अ मुनक्का. ओके, सो दिस इज नॉट अ किशमिश. मुनक्के और किशमिश में डिफरेंस होता है. सो किशमिश में सीड्स नहीं होती हैं और मुनक्के में सीड्स होती हैं. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे खाना है. तो एक्चुअली में गाइस, हमें सुबह उठकर क्यों इतना लिथार्जिक लग रहा होता है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ. सो रात में क्या होता है कि हमारी बॉडी, हमारा जो हार्ट है ना, वो ब्लड प्रेशर को हमारे लो कर देता है, सो दैट हम इजिली रेस्ट कर पाए. नाउ व्हेन वी वेक अप, तो हमारी बॉडी उस टाइम पर कोप ही कर रही होती है उसके साथ. तो अगर हम मॉर्निंग में इसको कंज्यूम कर लें तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाता है और हमारा स्टेमिना भी इन द मॉर्निंग ही इम्प्रूव हो जाता है. तो वो चीज आप कर सकते हो. इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारा स्टैमिना इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब इसको लेना कैसे है वो बताती हूँ. सो ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा. आई थिंक ये आपको इजीली विजिबल है. ये है क्या? ठीक है ना, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा एंड वेरी रीजनेबल ऑल्सो. सो मुनक्का इट इज कॉल्ड. इसको कैसे लेना है? रात में आपको इसको वॉटर में, ओके, वॉटर में आपको इसको सोक करना है. सो टेक, अगर आप अकेले खा रहे हैं तो यू कैन काउंट फाइव ऑफ देम एंड जस्ट यू हैव टू सोक देम इन वॉटर. कीप दैट वॉटर ओवरनाइट. ठीक है, और मॉर्निंग में आपको क्या करना है? मॉर्निंग में आपके लिए ये वॉटर एलिक्सर है. आपको ये वॉटर भी कंज्यूम करना है एंड मुनक्का भी खाना है. ऑफकोर्स उसके सीड्स मत खा जाना. छोटे छोटे सीड्स होते हैं विच यू कैन, मतलब ऐसा नहीं है कि सीड्स खा लोगे तो पेड़ निकल आएगा पेट में. दैट्स अ जोक जो आपको सुनाया जाता था बचपन में. ऐसा नहीं है, बट सीड्स आप थ्रो कर सकते हो. ठीक है, यू जस्ट हैव टू कंज्यूम द मुनक्का, दैट्स इट. सो इसको आप लेना शुरू कीजिए एवरी मॉर्निंग एंड आई एम श्योर कि आपको पूरा दिन एनर्जेटिक लगेगा. ट्रस्ट मी गाइस, एंड इसमें कोई शुगर नहीं है.
तो ये बहुत ही हेल्दी भी है. आप इसके बारे में रीड भी कर सकते हो. बट यस, न्यूट्रिशन के बारे में मैं काफी रीड करती हूँ एंड जैसे ही मुझे कोई चीज पता चलती है कि यस इट्स हेल्दी, मैं तुरंत से उसको लेना स्टार्ट कर देती हूँ. एंड यस, ऑफ कोर्स लेने के बाद ही आपको सजेस्ट भी करती हूँ. सो दैट्स अबाउट द वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. एंड बिल्कुल एनर्जेटिक रहने के लिए अभी ऑफ कोर्स हमें ये करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी टू स्टडी. ठीक है ना? सो स्टडी करने के लिए एनर्जी अपनी बनाओ अभी से. स्टार्ट हैविंग दिस एवरी मॉर्निंग. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर कि लाइक कर दो और शेयर भी कर दो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.